ये कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते थे तो कभी बेल्ट से मारते थे। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए उसे पूरा सपोर्ट करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वो कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मुझे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उसने सर्विस के दौरान वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ ही दिनों बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कंटेस्टेंट जीता। लेकिन वो बंदा सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, उसने अपना नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वो अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वो बंदा यहाँ भी नहीं रुका, वो मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वो बंदा अभी भी नहीं रुका, उसने फिर एक सपना देखा हॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसने एक फिल्म बनाई, द लॉन्ग गुडबाय। लेकिन इस फिल्म में उसका एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में उसे फिर एक फिल्म मिली, पंप इन आयरन, जिसने उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कोनैन द बारबेरियन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वो कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया और उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।